हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ, दिस इज़ योर ग्रामर बुक. द नेम इज़ ग्रामर रूल. ओके, एंड आई एम टीचिंग टू यू चैप्टर वन. द चैप्टर वन नेम इज़ द सेंटेंस, द क्लॉज एंड द फ्रेज. बच्चों, आपने पहले भी सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा. आप बहुत छोटी क्लास से, इनफैक्ट थर्ड क्लास से आप सेंटेंस और उसके टाइप के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं. तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है. आप में से जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, उन सबको पता होगा कि सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है. इसे हिंदी में वाक्य कहते हैं, ठीक है. और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कम्प्लीट सेंटेंस. सेंस, ठीक. अब क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है? शब्दों के ऐसे समूह को जिसको एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थापित किया जाए तो उससे एक सही सही मतलब पता चलता है, वही हमारा वाक्य कहलाता है. ये तो हुआ हिंदी में, वही हिंदी इसका ट्रांसलेट हो गया कि द सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कम्प्लीट सेंटेंस. कम्प्लीट सेंस, सॉरी सेंस, ठीक. अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर. अगर शब्दों के ऐसे समूह को जिसको कि अगर हम एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो क्या होता है, एक कम्प्लीट सेंस हो जाता है, एक सही मतलब निकलता है, पूरी तरह से एक मतलब निकलता है, वही सेंटेंस कहलाता है. इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक. और प्रेडिकेट में जैसे आपको जब पार्ट पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि कैसे सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं. जैसे मान लीजिए आई रीड इंग्लिश नॉवेल, ठीक. मैं इंग्लिश की नॉवेल पढ़ता हूँ, तो क्या हो गया कि इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, बाकी रीड इंग्लिश नॉवेल ये प्रेडिकेट हो गया. अब प्रेडिकेट में क्या होता है, प्रेडिकेट में बहुत सारी चीज़ें होती, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है. ओके, तो ये सेंटेंस होता है, ठीक है. अब आपका जो वर्क है, आपका होमवर्क है, आप लोग कॉपी में सेंटेंस की डेफिनेशन लिखेंगे और सेंटेंस की पूरी टाइप लिखेंगे. सेंटेंस की टाइप क्या क्या थी आपको मैडम, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सेंटेंस हैज़ फोर टाइप, असरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेशन. पढ़ाया था मैम ने, आपने भी पढ़ा था, तो ठीक है, उसे रिमाइंड कीजिए आप. और आपका ये होमवर्क है कि आप सेंटेंस की डेफिनेशन और उसके फोर टाइप की डेफिनेशन विद एग्जांपल आप करेंगे. ओके, अब आ जाइए व्हाट इज़ अ क्लॉज. ठीक बच्चों, देखिए क्लॉज होता क्या है. क्लॉज, वैसे तो इसका क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य. क्लॉज एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम इसको ऐसे मैं आपको समझाऊँ, अगर इसका सिंपल सा मतलब है तो क्लॉज में मतलब होता है वाक्यांश. वाक्यांश यानी सेंटेंस के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, वाक्य के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वाक्यों के अंश को हम वाक्यांश और इंग्लिश में उसे क्लॉज कहते हैं. देखो, अ क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट मे और मे नॉट मेक कम्प्लीट सेंस. देखो इन्होंने क्या कहा कि वाक्यांश जो होता है वो सेंटेंस में जो है छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह है जिससे कि एक अर्थ तो पता चलता है लेकिन ये पूरी तरह से एक सेंस को, कम्प्लीट सेंस को बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है, ठीक. क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. इट हैज़ फाइनाइट वर्ब, इट कैन बी पार्ट ऑफ सेंटेंस. अभी मैंने जैसा आपको बताया कि ये क्या होता है, क्लॉज जो है ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है. अब इसको मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल के लिए मैं जैसे आपको ऐसे समझा दूं कि जैसे एक सेंटेंस है, ही स्पीक्स एंड आई राइट, ठीक. अभी जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं क्लॉज के लिए, जैसे आपको समझाऊं कि इसमें क्या होता है, हमने एक सेंटेंस लिखा क्लॉज का, एक हमने एग्जांपल लिखा. अभी इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो है इन सब का एक 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 सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. अ क्लॉज हैज़ ए सब्जेक्ट ए प्रेडिकेट. जैसे एक हमने सेंटेंस लिखा कि ही कि आई रीड इंग्लिश नॉवेल, ठीक. अब देखिए बच्चों क्या हुआ, इन्होंने कहा कि आई रीड इंग्लिश नॉवेल, ये आपका सेंटेंस था, ठीक. दैट माई फादर बाय, तो क्या हो गया यहाँ पे जो दैट माई फादर बाय है वो क्लॉज है, क्योंकि ये क्या हुआ है, ये ओरिजिनल सेंटेंस में जो है ये जुड़ गया है. जैसे क्या होता है कि मैं इंग्लिश की नॉवेल पढ़ता हूँ जिसे मेरे पिताजी ने खरीदा, ठीक है. तो मेरे पिताजी ने खरीदा,
और मैं इंग्लिश नॉवल के, तो उसमें क्या हुआ, वो इंग्लिश नॉवल कैसी थी, उसे उसके पिताजी ने खरीदा। तो ये यहाँ पर जो है ये क्लॉज हो गया। अब इन्होंने कहा इट हैज़ द सब्जेक्ट माई फादर एंड द प्रेडिकेट बायस। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको एक छोटा सा सेंटेंस लिख के बताया था कि इन दोनों में ही, अब यहाँ पे क्या है, आई सब्जेक्ट हो गया, उसका प्रेडिकेट हो गया रीड नॉवल, और यहाँ पे माई फादर सब्जेक्ट हो गया और बायस उसका प्रेडिकेट हो गया। इट्स ओके, तो ये होता है क्लॉज। और अभी क्लॉज के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे इसके टाइप होते हैं, कितने तरह के ये होते हैं, इसके काइंड क्या होते हैं, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप लोग अभी तक सेंटेंस और उसके टाइप लिखिए और क्लॉज की डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझिए और कॉपी में लिखिए। व्हाट इज़ क्लॉज, इसकी डेफिनेशन लिखिए। व्हाट इज़ सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन लिखिए। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिखिए, सेंटेंस की टाइप, उसके एग्जाम्पल और एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल, और व्हाट इज क्लॉज।